कहते हैं बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता, जैसा कि इस वक्त मिस्टर गौतम अडानी के साथ हो रहा है। पहले हिंडनबर्ग ने बैंड बजाई, फिर देश में शेयर्स गिरने लगे, आरबीआई, सेबी, एनएसई सब ने निगरानी बढ़ा दी है, फिर मजबूरन एफपीओ भी वापस लेना पड़ा। अब बांग्लादेश ने भी अडानी ग्रुप को झटका दे दिया है। खबर है कि इसका खुलासा बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के एक अधिकारी ने किया है। डिपार्टमेंट की तरफ से अडानी ग्रुप को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसके बाद अब बीपीडीसी और अडानी पावर लिमिटेड में हुए 2017 की डील पर संकट मंडराने लगा है। तो आखिरकार ये 7 साल पुराना डील क्या था, जिसकी वजह से बांग्लादेश और अडानी ग्रुप के बीच ये विवाद अब खड़ा हो गया है। स्कूल ड्रॉप आउट रहे मिस्टर गौतम अडानी कुछ वक्त पहले एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, जिनके 220 बिलियन डॉलर का साम्राज्य पोर्ट्स, पावर जनरेशन, एयरपोर्ट्स, माइनिंग, एडिबल ऑयल, रिन्यूएबल्स, मीडिया से लेकर सीमेंट सेक्टर तक फैला है। वो आज ब्लूमबर्ग की बिलियनेयर इंडेक्स में काफी नीचे आ गए हैं। कहा पहले अडानी इस लिस्ट में तीसरे, फिर सातवें, फिर तेरहवें से सीधे अब 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं और ये गिरावट लगातार जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट जारी है, कंपनी की कमाई घट रही है, खुद गौतम अडानी का निजी वेल्थ घट रहा है, अचानक उन्हें अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा, क्रेडिट स्वीस के बाद अब सिटी ग्रुप ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। एक के बाद एक झटके लग ही रहे थे कि बांग्लादेश के साथ 7 साल पुराने डील में भी बाधा खड़ी होती दिख रही है। बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली खरीद समझौते में संशोधन की मांग की है। अब दोनों के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश ने अडानी से मांग की है कि वो बिजली खरीद समझौते को संशोधित करे। उसने कहा है कि उन्हें काफी महंगी बिजली मिल रही है। बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली खरीद समझौते में संशोधन की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के झारखंड में अडानी के पावर प्लांट के लिए खरीदे जाने वाले कोयले की अत्यधिक कीमत ही इस विवाद की जड़ है। इससे पहले अडानी पावर ने उससे अनुरोध किया था कि झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट के लिए कोयले का इंपोर्ट करना है। जानकारी के मुताबिक बीपीडीसी को लगता है कि अडानी की बताई गई कोयले की कीमत 400 अमेरिकी डॉलर पर टन बहुत ज्यादा है। ये 250 डॉलर प्रति टन से कम होनी चाहिए, जो कि वो अपने दूसरे पावर प्लांट में आयातित कोयले के लिए खर्च कर रहे हैं। वही समझौते में संशोधन की बांग्लादेश की मांग के बारे में पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये एक देश के सरकार और एक भारतीय कंपनी के बीच का सौदा है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि आप एक संप्रभु सरकार और एक भारतीय कंपनी के बीच एक सौदे का जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इसमें शामिल है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। उसके दूसरे दिन यानी 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये दिन अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जांच को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है कि अडानी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, वही संसद में आगे भी हंगामे के आसार है। मतलब हर तरफ गौतम अडानी संकट में घिरे हुए हैं। 24 जनवरी जब यूएसए की फॉरेंसिक फाइनेंशियल और शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयरों की कीमत 45 गुना ओवर वैल्यूड बताई है। वे अडानी ने 30% कर्ज सरकारी बैंकों से लिया है, केवल 8% प्राइवेट बैंक से लिए हैं। इसमें कहा गया था कि अडानी के परिवार के लोगों ने यूएई और कैरेबियन द्वीप में फर्जी कंपनियां दिखाई है। वे अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सच्चाई नहीं है, वो निराधार तरीके से गलत जानकारी दे रहा है। इसी रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।